रायगढ़ में केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है। नतीजा ये है कि बनकर तैयार हुए 1000 से ज्यादा मकानों का आवंटन ही रोक दिया गया है। पुरानी सूची को निरस्त कर अब दोबारा सर्वे करने का फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि 2014 में नगर निगम में मकान आवंटन के लिए सर्वे किया गया था। 1143 हितग्राहियों का नाम सूची में दिया गया था जिन्हें मकान आवंटित होना था, लेकिन सर्वे सूची की जांच में खुलासा हुआ है कि इस सूची में उन लोगों के नाम भी हैं जिनके दो दो मंजिला मकान बने हुए हैं। अब पुरानी सूची निरस्त कर नया सर्वे कराने का फैसला लिया गया है।